सुना कि इसको सप्रेस किया, ये मच्छी जैसे रस में फंसती है, कोई सुगंध में फंसता है, कोई रूप में फंसता है, कोई रंग में फंसता है, ये जो भी पांच विषय है, शब्द सप्रेस रूप रस और गंध, ये पांच विषय से जो न्यारा है, जो पांच विषयों में फंसा हुआ नहीं है, वो मुक्ति का अधिकारी है। ऐसा शुद्ध पौत्र जो है उसको ही मुक्ति मिलती है। सत्संग में आते आते तुम शुद्ध हो जाएगा, समझो कोई भी रस तुम्हारे में है भी, तो भी जैसे तुम सत्संग सुनेगा अंदर ही अंदर साफ सफाई हो जाएगी। गुरु तुम्हारा झाड़ू का काम करता है। हमारा दादा बोलता था हम झाड़ू है तुम्हारा, हमको कभी गुरु नहीं समझना, हम तुम्हारी झाड़ू पहनता है, रोज सफाई करता है। क्योंकि गुरु अगर नहीं हो तो हमारी सफाई कौन करे, हमारे अंदर में जाके हमारी सफाई करता है, ऐसा ज्ञान डाल के अज्ञान दूर करता है। तो बोला जो भी विषय रस है, जो भी विषय विकार है, वो जिज्ञासु में नहीं होना चाहिए, यही तुम साधन करो तो आज से कोई भी विषय में हम नहीं अटके। जो आत्मा के विषय में, आत्मा के रस में है, वो कभी विषय विकार के रस में नहीं जा सकता। ये रस आवे वो रस नहीं भावे, जिसको आत्म रस मिल गया, ये सत्संग का रस, ये ज्ञान का रस जिसको मिल गया, वो दूसरे रस में जाएगा। अभी तुम इधर सत्संग में आता है, कितना भी हजार लाख रुपए कोई तुमको दे तो इस टाइम तुम सिनेमा में चलो या टीवी देखो या इधर चलो घूमने चलो, तुम जाएगा सत्संग छोड़ के, तुम जाएगा। इतनी प्रीत लगी है सत्संग से, 50-50 लगी है, 80-20 लगी है, 100% लगी है, कितनी प्रीत लगी है सत्संग से। सत्संग छोड़ के तुम कहाँ भी जा सकते हैं दुनिया में, मैं इतना शौक। तो जब ये रस आएगा ऑटोमेटिकली मन जाएगा, कुछ ना कुछ उधर बहाना करके भी तुम इधर आ जाएगा। कितना भी काम होगा बोलेगा काम पीछे 10 बजे के बाद, अभी पहले सत्संग हो, काम होवे नहीं होवे हमको पढ़वा नहीं है, पहले सत्संग। सुबह को उठ के जैसे पहले नाश्ता करता है ना, दूध पीता है ना, बादाम खाता है, जैसे ताकत आए मगज को, ये है बादाम, ये है टॉनिक। सुबह सुबह में सत्संग सुनना ये टॉनिक है, बड़े बड़े जो सारा ही दिन तुमको शक्ति देगी, ताकत देगी। जैसे तुम कैप्सूल लेता है ना, तो सारा दिन उसकी शक्ति चलती है, वो खून बनाता है, रक्त बनाता है, शक्ति देता है। इसी प्रकार ये सुबह सुबह को तुम सत्संग सुन के और पीछे जाके कहाँ भी बैठो, तुम्हारा ही सत्संग जाएगा। ये सत्संग तुमको सारा दिन काम में आएगा, ये टॉनिक है, दवाई है, जबरदस्त ताकत है, शक्ति है। माया से तुम लड़ाई करके और जीत के आएगा। ये नोड़ी रहा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नेवला, वो सांप से लड़ाई करता है। तो सांप से कैसे लड़ाई करता है, चंदन के पेड़ में जाके और ऐसा लेत्री पहनता है, ये नोड़िया राज होता है, उधर से शक्ति लेके पीछे जाके सांप से लड़ाई करता है और वो जीत के आता है, सांप हार के जाता है। सुना तो क्या करता हूँ, बंधन का रूप है और सभी विषयों का जिसने त्याग कर दिया अंदर से, जिसको विषय रस नहीं चाहिए, अभी आत्म रस चाहिए, बस वही मुक्त है, वही मुक्ति का अधिकारी, किसी भी विषय में अटको नहीं। ये चाहिए बाहर मुख वृत्ति नहीं रखो, तो बाहर से कुछ मेरे को चाहिए, बाहर से मजा लेगा तो सदा भोगेगा, जो अंदर मजा लेता है उसको ही आनंद है। अपने अंदर बाहर का आधार लेगा वो आधार चला जाएगा, किसको स्त्री का आधार है, किसको बेटे का, किसको धन का, किसको बाहर विषय विकार का, किसको इंद्रियों के सुख का आधार है, कोई किस बात में, कोई किस बात में फंसा हुआ है। सब चीज से फंसना छोड़ो, अभी आत्मा में आके ठहरो, आत्मा में टिको, अटकना छोड़ो और टिकना शुरू कर दो। जो अपनी आत्मा में है, जो निराधारों का भी आधार है, किसी का भी आधार बाहर नहीं है, किसी चीज का भी आधार नहीं है जिसको, तुम इधर रहते हैं कोई अभी स्त्री बेटा इधर नहीं है तुम्हारा, तुम रह सकते हैं। फिर जब घर में जाता है तो स्त्री के ऊपर आधार रखता है, स्त्री मेरी सेवा करो, बच्चा मेरे को सेवा करो, बच्चा मेरे आज्ञा में चलो। इधर तुम अकेला जो आए है दूसरे शहर से, वो कैसा रहता है, इधर आप ही कपड़ा धोता है, आप ही पता नहीं किधर से खाना खा के आता है, आप ही रेस्ट करता है, आप ही सत्संग सुनता है, फिर घूमता है फिरता है, सब आप ही करता है। अभी स्त्री बेटे की धन की इधर जरूरत पड़ती है, धन भी तुमको समझो नहीं चाहिए। अभी तुम घूम के फिर के पैदल करके बगीचे से फिर जाके सत्संग सुनो, अभी धन के सिवा भी रह सकते हैं, स्त्री के सिवा भी रहा पड़ा है, बच्चे के सिवा भी इधर रहा पड़ा है, यहाँ भी कैच होती है किसी की, कुछ याद आता है इधर जैसे आया है तुम, कुछ भी नहीं याद है। फिर उधर जब घर में बैठेगा तो क्या देखेगा, और बोलेगा स्त्री तुम ऐसा क्यों नहीं करती है, कितने बजे आई थी, कितने बजे शाम को आई, ये बहू क्या करती है, ये बेटा क्या करता है, ये किधर गया,
कितने बजे उठा, क्या किया? इधर तुम पूछ रहे कुछ, इधर एक दूसरे को कभी ऐसा गुलाम किया? सबकी सेवा करता है इधर, तुम खाओ, तुम पहनो, तुम ये करो, पानी का गिलास सबको भर के देगा, घर में भी भर के दियो, घर में इच्छा रखेगा वो मेरे को कोई भर के दे, और इधर तुम सेवा करेगा। सेवा करना अच्छा है, सेवा करना तुम्हारा धर्म है, तो जहां तक करो ना, सेवा लेता क्यों है, पिंगुलांदा बनता क्यों है? मैं स्त्री के साथ रह नहीं सकता हूँ, मैके में चली गई है, अभी मैं कैसे चलूंगा, अभी मैं बच्चे को कब देखूंगा, वो चला गया है किधर, अभी बच्चा नहीं है सामने, स्त्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी रस नहीं है दुनिया का, इंद्रियों का, सत्संग और घर, घर और सत्संग, अभी दूसरा क्या करता है, तो इधर आनंद कैसे आता है? घर में भी ऐसे चलो, अभी तुम्हारा घर नहीं है, अभी गुरु का घर हो गया, स्त्री तुम्हारी गुरु के पास हो गई, गुरु की हो गई, बच्चा गुरु का हो गया, अभी तुम्हारा कौन है जिसके ऊपर तुम अधिकार रखेगा? ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, इसे शरीर पर अधिकार भी गुरु का है, जैसे तुमको उठाएगा बिठाएगा तैसे तुम चलेगा, तो घर में जाके फिर तुम मिस्टर सो एंड सो क्यों बनता है, किसका बाप किसका बेटा क्यों बनता है? वही आत्मा देखो ना, आत्मा ही देखो, आत्मा ही सुनो, आत्मा ही बनो ना, तो अगर बनना है तो आत्मा बनो, नहीं तो कुछ भी नहीं है तुम। इसके लिए गुरु अपने पास रहा के हमारे को देखता था कि भाई ये कैसा कैसा रहता है इधर, जैसे ना अस्पताल में कोई आदमी रहे तो 5-10 मिनट के बाद नर्स आके तुम्हारी नब्ज देखेंगी, अभी कितना ब्लड प्रेशर है, कितना बुखार है, कितना दर्द है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये है अस्पताल, तुम इधर रहे पड़े हैं, तुमको सब देखेगा भाई, अभी ये कैसा चलता है, क्या करता है, क्या बोला भाई, इधर मौन रहता है, शांत रहता है, कुछ इच्छा तो नहीं होती है, काम बाहर मुक्त तो नहीं होती भाई, मैं बॉम्बे घूमूं, मैं इधर जाऊं, मैं उधर जाऊं, ऐसी कभी घूमने की भी इच्छा होती है, गुरु तुमको घुमाता है तो घूमता है, नहीं तो तुम बैठा है। तो जैसे इधर तुम अपनी इच्छा नहीं चलाता है, अपना अहंकार नहीं करता है, किसी के आधार पर नहीं है, जैसे जानता तुम ऐसे रह सकता है, ये प्रैक्टिस करता है इधर तुम, जैसे रियल सल करता है ना, फिर सच्चा नाटक होता है, ये रियल सल है तुम्हारी भाई, हम किसी के सह भी रह सकता है, तो घर में भी ऐसे इंद्राधारों का आधारों के रहो, जिसके ऊपर आधार नहीं रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट, अपने ऊपर डिपेंड करो, दूसरा किसी के ऊपर नहीं, मेरा तो तेरा, तेरा तो मेरा, जब तेरा सब गुरु का हो गया तो गुरु का ज्ञान तेरा हो गया, अभी ज्ञान का खजाना तुमको मिल गया, बाकी झूठा संसार जो है वो उसी में आसक्ति रखने का क्या मतलब, सच मिल गया तो झूठा पे ही छूट गया। जोर दिया है, और जब गुरु जो मन पर बोधे, वही सच्चा साधु है जो मन को ही बोध देता है, मन को ही प्रबोध देता है, और इधर जितना भी सत्संग चलता है तो तुम समझता है शायद गुरु तुमको सुनाता है, नहीं खुद को ही सुनाता है, क्योंकि इधर भी अपना आप देखता है, दूसरा देखता ही नहीं है, आप गुरु आप चेला, आप सुने आप सुनाए, फिर भी वो है अकेला डेरा, है अकेला ही, एक ही परमात्मा है, लेकिन कहां गुरु बन के सुनाता है, कहां शिष्य बन के सुनता है, कहां गुरु बन के बैठता है, कहां शिष्य बन के बैठता है, लेकिन है एक ही। तो तुमको भगवान ने बिल्कुल फ्री रखा है, नरक में जाओ सरक में जाओ चाहे आजाद हो जाओ, लेकिन मान खा दही इतना जरूर तुमको बताएगा, मान खा दही मिली है प्रभु पान के, और कार्य तेरे किथे नहीं काम, मिल साध संगत भज केवल में, सुप्त दाड़ा और लक्ष्मी पापी को भी हो, पापी को भी है, लेकिन संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ, दो बातें दुनिया में बहुत दुर्लभ है, भागशाली को मिलती है, अति भाग्य जिसका के खुलता है ना, उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है, उसको सच्चा संत मिलता है, और सरफ हरि की कथा, मिक्स चेवड़ा नहीं भेलपुरी जाके खाते हैं ना, ये भेलपुरी का ज्ञान नहीं है, मिक्स भाई तुम कर्म भी करो, साधना भी करो, जप भी करो, तप भी करो, दान भी करो, ये भी करो, और खंडन नहीं करो, खंडन नहीं करो, अरे गुरु तुम्हारा सब खंडन करेगा, क्योंकि उससे दादा ने बोला है, कबीर का भी भजन है, बोलता है नहीं मैं मंदिर में न काशी में न काबे में न एकांत में नहीं जप में नहीं तप में कहाँ भी मैं नहीं मिलता हूँ, लेकिन मैं तो हूँ विश्वास में। तो विश्वास का मतलब क्या है, श्रद्धा का मतलब क्या है, श्रद्धा का मतलब है तुमको अपने में श्रद्धा है तो मैं भगवान हूँ, ऐसा नहीं मेरा गुरु भगवान है, ऐसा नहीं कृष्ण भगवान है, ऐसा नहीं राम भगवान है,
उसको भी शांति प्राप्त नहीं होती है। कृष्ण भगवान हुआ तो तुम्हारे को क्या फायदा, वो तो अपने लिए उसका फायदा है, जो भगवान था उसका फायदा है, तुम्हारा क्या फायदा है? अगर तुमने बोला कृष्ण भगवान है तो तुमको कभी शांति मिली है? तुम तो वही अशांत है, तुम्हारा कोई विकार गया है, तुम्हारे पास तो वही विकार रहता है। लेकिन जब तुम अपने में श्रद्धा रखेगा तो मैं आत्मा हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरे को काल नहीं खा सकता है, मौत नहीं खा सकता है, मेरे में कोई पाप होता ही नहीं है, नो सिन नो सिक नो डेथ, मेरे में कभी बीमारी भी नहीं होती है, पाप भी नहीं होता है, मौत भी नहीं होता है। जब अपने में श्रद्धा आती है, अपने में विश्वास आता है, उसका बेरा पास होता है। मैं हूँ विश्वास में, श्रद्धा में, यही है सच्ची श्रद्धा। ऐसा नहीं मेरा गुरु में बहुत श्रद्धा है, तो गुरु में श्रद्धा कैसे तुम्हारी आई? क्या श्रद्धा है? तो गुरु भगवान है तो जाना कैसे, गुरु को भगवान कैसे जाना? तो मैं जी भाव में, और गुरु को जाना तो गुरु भगवान है, कैसे जाना? तुम छोटा इतना पुत क्या जाने पिता का जन्म? तो मैं पुत और पिता का जन्म तुमने जान लिया, कृष्ण को भगवान कैसे जाना तुमने? सुना और बोला, इसीलिए कोई फायदा ही नहीं हुआ, इसीलिए ही शांति नहीं मिलती है। सिर्फ सुना है, बड़ों ने कहा भाई कृष्ण जो है ना वो भगवान, सुना और बोला। जैसे हर एक बच्चा बोलता है, हम जब उनसे पूछते हैं वेयर इज गॉड, बोलता है सर गॉड इज एवरीवेयर, भगवान तो जहाँ तहाँ है। फिर हम पूछते हैं तुम जहाँ तहाँ भगवान देखता है? नहीं नहीं देखता दिखा। ऐसी तरह से भगवान कृष्ण को सर भगवान बोलते हैं, थोड़े टाइम के लिए बोलते हैं, लेकिन देखते हैं नहीं। हमारे पास एक बहुत बड़े में बड़ा हाई कोर्ट का जज है, हम मैथेरन में थे, इतना बड़ा जज, भजन सुना सत्संग सुना, बहुत उसको पसंद आया, बहुत प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, बोला मैं तो बस रोज आऊंगा ये सुनने के लिए। तो मेरे भीतर में एक ऐसा ही ख्याल उठा, मैंने पूछा जज साहब फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गई, जब आया सत्संग में तो प्यार हो गया। मैंने बोला जज साहब मैं एक प्रश्न तुम्हारे से करूँ, बोला भले कर। मैंने बोला तुम इतना बड़ा जज है, हाई कोर्ट का जज है, सच बताना तुम जब कोर्ट में बैठता है, जजमेंट देता है, तो तुम सब कैदी को जेली को सबको बोलता है खुदा को हाजुर नाजुर समझ के तुम सच सच बोलना, क्या तुम सचमुच खुदा को हाजुर नाजुर देखता है समझता है? वो 5 मिनट के लिए तो चुप हो गया, बोला ऐसा प्रश्न मेरे जिंदगी में किसी ने नहीं पूछा है। फिर 5 मिनट के बाद बोला सच बताऊं, बाहर कभी कभी कहां कहां मंदिर में ठिकाने में शायद मैं भगवान देखता हूँ, लेकिन कोर्ट में कभी खुदा होता ही नहीं। मैं बोला वो कैसे? बोला कोर्ट नामी ऐसा है, कोरट नामी इसीलिए रखा गया है, कोरट का अर्थ ही ऐसा है, कोरट का अर्थ मेरे को बताता है, बोलता है कोरट का अर्थ है मींस कूट झूठ, वर मींस वर बकर, बातों को सच को झूठ, झूठ को सच बनाना, रय मींस रुलना, कोरट में जाएगा ना धक्का खा के आदमी मर जाता है, लेकिन कोरट का फैसला होता ही, टय मींस टका, जिसका पैसा उसकी जीत हो जाती है, ये होती है कोरट। तो बोलता है उधर खुदा कैसे? अगर उधर कोरट में खुदा होता तो पूर्ण इंसाफ होता, जज मीन्स पूर्ण इंसाफ करे, और वो जज है तुम्हारा भगवान, गॉड इज अ जस्ट, भगवान ऐसा जज है, उसकी ऐसी जजमेंट है, ऐसा पूर्ण इंसाफ है, जैसा करेगा वैसा भरेगा, कोई तुमको छुरा नहीं सकता है, वहां नहीं रिश्वत खोरी चलती है, नहीं तुम्हारा कोई उधर बड़ा आदमी है, कोई मिनिस्टर है भाई बोलेगा मेरी जाके उधर तुम विटनेस देना, मेरे को छुड़ाना बचाना, कोई तुमको छुरा नहीं सकता, हो जाएगा, चुप हो जाएगा। तत्व ज्ञान ऐसा है जो सबको मौन कर देता है, शंकाएं सब निवृत्त हो जाएगी, और अगर पंडित होगा खाली शास्त्रवादी तो बोलने वाला होगा, वादोवाद करने वाला, वादोवाद करने वाला पंडित तत्व ज्ञान सुनने से ही मौन हो जाएगा। माना आत्मा जब अंदर पक्का निश्चय करेगा आत्मा का, तो फिर वो बोलेगा क्या? और पंडित जो है वो आपस में वादोवाद करता है, बोलता ही रहता है, बेचारी तक उसका जो निर्णय होता ही नहीं है, और तत्व ज्ञान से निर्णय हो गया तो बोलना बंद हो गया। जब पंडित चार मिलेगा तुम समझते हो उधर क्या करेगा? दोनों चार बात ही करेगा, जगत ऐसा है वो बोलेगा नहीं, जगत मिथ्या है बोलेगा नहीं, जगत सत्य है कौन बोलता है मिथ्या है, बस मिथ्या सत्य ये वाद वाद, ये जो भी दुनिया में सब मतांतर है ये खाली बैसम बैसी के लिए। जो आत्म ज्ञान लेगा आत्मा में पक्का होएगा वो बिल्कुल सारे जगत से मौन हो जाएगा, बोलने का जरूर क्या है? वादोवाद द्वैत में होती है, संवाद भगत और भगवान के बीच में होती है। जब ये अर्जुन था तो कृष्ण से सवाल पूछा है, भगवान से सवाल पूछा है, निम्रता भाव से श्रद्धा से विश्वास से,
और समझने के लिए, नहीं कि मैं कुछ जानता हूँ। और पंडित जब आपस में मिलेगा बोलेगा मैं भी जानता हूँ, वो बोलेगा मैं जानता हूँ, दोनों भाई जानता है, पंडित विद्वान सब जानते हैं। तो जानने का जो अपमान है उसको, वो अपमान से वाद वाद करके और कचारी कुछ भी निर्णय करके नहीं उठे, क्योंकि वहाँ कोई गुरु नहीं है। पंडित विद्वान के पास कोई गुरु गुसाई नहीं होता है, वो खाली आपस में बोलता है तुम जानते हो तो मैं भी जानता हूँ, आओ तो आपस में चार संत मिल के बैठ के और वाद वाद करे। तो चार संत क्या आपस में बोलेगा, कोई गुरु है उधर जो निर्णय करे, फिर वो कुछ भी बोलेगा चार इधर आपस में झगड़ा करके उठेगा। बोलने वाला पंडित विद्वान जब आत्मा का निष्ठा करेगा, आत्मा का बोध होएगा, तो फिर मौन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मौन आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर में कोई शंका ही नहीं रहेगी जो बात करे, और ज्ञान भी नहीं रहेगी कि मैं ज्ञानी हूं, मैं पंडित हूं, मैं कुछ जानता हूं। बोलने की इच्छा भी नहीं रहेगी कि मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ बताऊं कि मैं भी ज्ञानी हूं। ज्ञानी पड़ेगा अभिमान भी नहीं रहेगा, श्रेष्ठता का अभिमान नहीं रहेगा। गीता के 16 अध्याय में है, 13 अध्याय में ज्ञान का लक्षण, पहले पहले उसमें श्रेष्ठता का जिसको अभिमान नहीं है वही ज्ञान के लायक है। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं शास्त्र वेद पढ़ा हुआ हूँ, मैं सब जानता हूँ। जो समझता है मैं जानता है जानता हूँ, वो जानता ही नहीं। देखा गॉड इज अननोबल, परमात्मा जानने से ऊपर है, कौन जाने और किसको जाने। दो है क्या जिसको जानना है, जानना है अपने आप को, जिसने अपने आप को जाना, जिसने अपनी आत्मा की निष्ठा किया वो बोले तो क्या बोले और जाने तो क्या जाने। ज्ञान का इतना पोथा जिसके मगज में पड़ा है उसको अभिमान है, भाई मैं शास्त्र पढ़ा हुआ हूँ। अभी आत्मा के बोध के पीछे कौन सा शास्त्र और वेद तुम्हार को याद पड़ेगा। अष्टावक्र गीता में आगे चल के बताएगा, हे शिष्य, उसको राजा जनक को बोलता है, सब शास्त्र वेद जो तुमने पढ़ा है, जो पहली विद्या तुम्हारे मगज में पड़ी है, वो बुलाने के समय आत्मा का बोध नहीं होगा, स्लेट साफ होनी चाहिए अंदर। जो भी पढ़ा है, जो भी लिखा है, कौन सी भी विद्या तुमको है, चाहे ब्रह्म विद्या भी हो, चाहे शास्त्रों की विद्या भी हो, सो भी भुलाने के समय आत्मा का बोध नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। आगे चल के बताया, तो ये बोलता है बहुत बोलने वाला पंडित भी आत्मा के बोध होने से शांत हो जाता है, मौन हो जाता है। ये सारा पढ़ो तो भी विषय कार नहीं जाएगा, विषय की आसक्ति आत्म ज्ञान के समय कभी भी नहीं होगी, कहां से भी नहीं होगी। एक ही आत्म ज्ञान साधन है, अपने को आत्मा जानने के सिवाय और देह ध्यास भुलाने के सिवाय विषय आसक्ति कभी नहीं जाएगी। ये जो 5 विषय है वो शरीर में है, मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो आत्मा में विषय होती है क्या? आत्मा में क्या होता है? आत्मा तो निर्विकार है, आत्मा तो निर्दोष है, आत्मा तो निरंजन है। बाकी विषय आसक्ति किसमें है? वो है शरीर में, जो देह अध्यासी है। देह अध्यासी में विषय नहीं रहे ऐसा हो नहीं सकता। देह अध्यासी ना करे तो भी करे, देह अध्यासी बाहर से चुप बैठा है, बिल्कुल मौन, आंख बंद करके बैठा है, तो भी अंदर संकल्प विकल्प चलता है, मतलब कर्म उसने किया। विषय में उसका मन गया, मतलब उसने कर्म किया। और आत्म अभ्यासी, आत्म निवासी करता हुआ भी नहीं करे, ब्रह्मज्ञानी करता हुआ भी नहीं करे, कर्म करत हुए न करनी। चाहे शरीर से उसके तुम देखेगा तो कर्म, तो भाई कोई भी विषय विकार में नहीं जाता हूँ, मैं सारा दिन एक कोठरी में बैठा हूँ, तो तुमने समझा कि वो शराब हो गया या उसका मन नहीं चलता है। बैठे बैठे पता नहीं मन किधर जाता है, पता नहीं कौन सा पाप करके आता है, पता नहीं कौन सी विषय भोग के भी आता है मन में। तो ये बोलता है विषय आसक्ति आत्म ज्ञान के सिवाय कभी नहीं जाएगी। एक ही साधन है आत्मा का ज्ञान, आत्मा का बोध, उसके सिवाय कोई एक विषय की एक इच्छा भी नहीं जाएगी, एक वासना भी नहीं जा सकती है। अगर तुम देह है, देह है माना सब विकार है, देह में सब विकार होते हैं और आत्मा में एक भी विकार है। तू आत्मा है, तू देह नहीं है। देह और आत्मा का विभाग जब तक नहीं होएगा, अलग अलग नहीं करेगा और तुम आत्मा में नहीं टिकेगा, तब तक विषय आसक्ति नहीं जाएगी, एक भी विषय नहीं जाएगी। याद रखना, कोई भी आत्म ज्ञान के सिवाय दूसरा साधन नहीं है इच्छा के जाने का, वासना के जाने का।
करता है, नहीं सोचता है, नहीं ध्यान करता है, नहीं समाधि करता है, नहीं मंदिर में जाता है, नहीं दान करता है, नहीं पुण्य करता है, नहीं शुभ कर्म करता है, नहीं अशुभ कर्म करता है, वो तो आलसी की तरह बैठा है, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया। पहले पहले तो ज्ञान ही समझता मेरे को कोई काम ही नहीं करने का है, काम जिस काम के लिए हम आया, अपने आप को जानने के लिए आया, वो काम पूरा हो गया, अभी मेरे को करना कुछ नहीं है। अभी तुम देखेगा तो ज्ञानी जैसे कुछ करता ही नहीं है, सारे दिन कुछ भी कर्म उसके लिए विधि निषेध नहीं है, भाई ये करे और ये नहीं करे ज्ञानी के लिए। तो ब्रह्म ज्ञानी जो है वो बाहर से ऐसा देखने में आएगा तुमको, तो परम आलसी मन दुनिया के धंधों से जो है वैराग्य लेकर बैठा है, उसको कोई भी कुछ भी कहां भी इंटरेस्ट नहीं है, डिसइंटरेस्टेड है, किसी भी बात में इंटरेस्ट भी नहीं है, माया को मिथ्या जानता है, माया को जो सच जानता ही नहीं है। तो तुम जैसे सच्ची रांझ करता है, जैसे एक सच्ची रांझ करता है पत्ते की, ये जो ताश खेलते हैं, एक सच्ची खेलता है, एक झूठी खेलता है, सच्ची खेलने वाले के धड़कन होती है, अरे अभी क्या होगा, अरे इतना पैसा चला गया, मैं तो हार के बैठा हूँ, दूसरा तो जीत के बैठा है, अभी कैसे होगा क्या होगा। और जो झूठी रांझ खेलता है वो कैसे खेलता है, बेपरवाह बादशाह होता है। इसी प्रकार ज्ञानी दुनिया में रहता भी है लेकिन बेपरवाह होकर, उसको कोई काम की इच्छा नहीं है अंदर में, और कोई काम का फर्ज धर्म नहीं है, मेरे को फर्ज है, मेरे को धर्म है, मेरे को करना है, अरे मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मेरे समय कौन करेगा, ये कर्तापन का अभिमान ज्ञानी में नहीं है। और चित्त का अकर्तापना ही समाधि है, जिसके अंदर अकर्तापना है तो मेरे को कुछ करने का नहीं है, वो समाधि में रहता है, पीछे प्रारब्धवश उसका शरीर चलता रहता है, लेकिन वो उसमें इच्छा और आसक्ति के सिवा है, कोई भी कर्म उसके खाते नहीं है, या 24 घंटा वो कर्म करता हुआ देखने में आवे या सोता हुआ देखने में आवे। तो भी ज्ञानी के लिए किसी ने नहीं कहा, किसी शास्त्र ने, ये विधि है या निषेध है, ज्ञानी को ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, वो पाप पुण्य से ऊपर है, वो राग द्वेष से ऊपर है, वो आसक्ति से ऊपर है, उसको इच्छा कोई नहीं है, करता अपने का अभिमान कोई नहीं है। इसके परम आलसी बना करता अपने का अभिमान नहीं है कि मैं एक भी कर्म सारे दिन में करूंगा या मेरे से कुछ होता भी है, ऐसा परम आलसी है। तो भी 24 घंटा ज्ञानी से परमात्मा तो काम लेता ही है, भगवान ऐसे थोड़ी किसको खिलाएगा, जरूर काम लेगा। तो ज्ञानी का काम जो खुद भगवान आके करता है, खुद उसके शरीर को भगवान आके चलाता है, वो इच्छा और अहंकार से रहता है। बोलते हैं ब्रह्मा से चीटी तक सभी जीवों में इच्छा और अहंकार है, एक ही ब्रह्म ज्ञानी निर्वासनक है, जिसमें नहीं इच्छा है नहीं अहंकार है, निर्वासना। तो वो ही परम आलसी है, क्योंकि उसकी इंद्रियां जो है वो शांत हो गई है। इंद्रियां जो क्या बताया, इंद्रियां अपनी विषय विषय में बढ़ती नहीं है, जो विषय है उसकी उसमें जो आसक्ति नहीं है, तो इंद्रियां भी उसकी शांत हो गई है। जो अकड़ वही पर मन का अंतर आत्मा की तरफ प्रवाह होने से सब इंद्रियां ढीली हो गई है। मन का प्रवाह आत्मा के तरफ होने से, मन आत्मा में लीन हो गया तो इंद्रियां ढीली हो गई, माना इंद्रियां जो पहले टाइट है, सब इंद्रियां अपनी अपनी विषय में दौड़ रही है, बाहर दौड़ रही है। आंख देखती है एकदम मन चलता है, कान सुनता है एकदम मन चलता है, अंदर मन की मशीन चलती है अज्ञानी की। लेकिन ज्ञानी की मन की मशीन शांत है, आंख देखती भी है तो क्या देखे, छा बिसी छाके बिसी बिस्तू सर जल हार के, आंख देखे तो क्या देखे, कान सुने तो क्या सुने, मुख से बोले तो क्या बोले, एक ही आत्मा जिसके लिए प्रिया है, जो आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही प्रीति वाला है, आत्मा में ही निष्ठा वाला है, वो क्या देखे क्या सुने और क्या बोले। तो परम आलसी हो गया, उसकी इंद्रियां भी जैसे ढीली हो गई, इंद्रियां अपनी विषय में दौड़ती नहीं है, इंद्रियां उसकी जो है वो अपने विषय विकार में जाने से असमर्थ हो गई है। इसके लिए ज्ञानी को जैसे पिंगला और अंधा बोलता है, भाई अंधा है वो देखता ही नहीं है जगत, पिंगला है जैसे उसकी इंद्रियां रस छोड़ के बैठी है, क्योंकि वो अपने ही आत्म रस में है, तो इंद्रियां कहां दौड़े, बाहर कुछ होवे तो दौड़े, जब अंदर बाहर एक को जाने दूजा भाव न होवे, दूजा है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, हमारे से जुदा कुछ नहीं है, तो जुदा कोई चीज होवे तो जाए ना मन। तो ज्ञानी समझता है मेरे से जुदा कोई चीज ही नहीं है, मेरे से जुदा कुछ है ही नहीं, जगत भी मेरे से जुदा नहीं है, मैं ही तो हूँ, ये मेरा परछाई है, जैसे मैं हूँ और मेरा परछाई है, कौन सा फर्क है, वो मैं ही तो हूँ। लेकिन अज्ञानी मूर्ख जो है वो परछाई के पीछे पड़ता है, और ज्ञानी जो समझता है ये मेरी परछाई है, मैं इसके पीछे क्यों पड़ूं, मैं क्या नहीं हूँ, उसको अपने आत्मा परिकुण की है, आत्मा से सुंदर कोई नहीं है दुनिया में जिसके ऊपर वो मोहित हो जाए, इसके लिए उसकी इंद्रियां भी ढीली हो जाती है, कहां भी उसका विषय विकार में जाती नहीं है, कुछ भी इसको चाहिए नहीं, नो डिजायर,
जिसकी इच्छा गल गई है वो किधर जाएगा, कौन सी उसके विषय विकार में जाएगा? तो इंद्रियां उसकी शांत हो जाती है, ढीली हो जाती है, और परम आलसी और पंडित जो है वो मौन हो जाता है। परम आलसी का समझाना मतलब करता पड़े के अभिमान से रहत हो जाता है। विषय विकारी वंश को इधर लेके आओ सत्संग में, बोलेगा क्या क्या बोलता है, अरे ये तो छुराता है, ये इच्छा छुराता है, ये मोह छुराता है, ये हमारे सत्संग का नाम बहुत बड़ा है भाई, इधर नहीं जाएगा मोह छोड़ देगा भाई, इधर मर्द को मर्द नहीं समझता है, औरत को औरत नहीं समझता है, माँ को माँ नहीं समझता है, इधर ये मोह छुराते हैं, इधर ये काम छुराते हैं, इधर क्रोध छुराते हैं, जो तुम्हारी बीमारी छुराते हैं वो तुमको बीमारी पसंद है, विषयी विकारी को वो विषय पसंद है, इसके लिए वो अपनी बीमारी छुराने के लिए इधर नहीं आएगा। सत्संग में वो आता है जिसको सचमुच दर्द आके लगे भाई मैं आज ही इस विकारों से छूटूं, जिसको रोना नहीं आता है, पछताया नहीं आता है कि सारी उम्र मैंने धक्का खाया, दर दर का धक्का खाया, ये इच्छा वासना ने मेरे को रुलाया है, जन्म जन्म से मैं रुल के पिन के पूरा हुआ हूँ लेकिन मेरे को शांति नहीं आई है, तभी वो सत्संग में आएगा। लेकिन विषय आसक्त पुरुष जिसको विषयों में मजा आता है, जिसको पाप में मजा आता है, वो कभी इधर आएगा ही सत्संग, वो सत्संग से बिल्कुल दूर भागेगा, बोलेगा हमारे को सत्संग पसंद नहीं है, क्योंकि सत्संग में जाएगा तो इच्छा वासना छोड़नी पड़ेगी, विकारों को जीतना पड़ेगा, मन को जीतना पड़ेगा, ये बहुत दुखी बात है उसके लिए, मुश्किल बात है उसके लिए, इसके लिए वो बहुत ही दूर भागता है भाई। हम मोह में भी रहे, काम में भी रहे, क्रोध में भी रहे, जैसे दुनिया में सब रहते हैं, भोग भी चाहिए भगवान भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए भगवान भी चाहिए, पुलाव भी चाहिए तो फिर भी चाहिए, उसको दो दो गिद्रा हाथ में चाहिए, एक हाथ में दो खरबूजे तुम उठा सकते हैं, कैसे उठाएंगे? यू कैन नॉट प्लीज टू मास्टर्स एट अ टाइम। तो माया को भी खुश करेगा, संबंधियों को भी खुश करेगा, दुनिया में भी तुम्हारा नाम निकलेगा उसको भी खुश करेगा, लोकारित भी करेगा और भगवान को भी राजी करेगा, ये तो घर की मानी नहीं खाने की है। एक तरफ हो जाओ, जिस जिसने भक्ति किया, जिस जिसने ज्ञान किया है वो परमात्मा में लीन हो गया। मीराबाई की इतनी निंदा हुई थी, ये सचमुच तो उसकी प्रशंसा थी, चाहे बाहर से तुमने देखा, सास कहे मेरा भई बावड़ी, लोग कहे मेरा भई बावड़ी, सास कहे कुल नाशी रे, पग घूंगड़ बांध मेरा नाची रे, अब तो बात फैल गई क्या करेगा कोई, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज कोई। मीराबाई बोलती है तो सास उसकी बोलती है भाई ये तो लोक लाज इसने खो दिया है। तो मीराबाई की बहुत ही गिला हुई बाहर, लेकिन अंदर उसकी ये प्रशंसा है, जो भी ज्ञान में आएगा, जो भी इस परमात्मा के रास्ते पर आएगा, दुनिया उसको पहचानेगी नहीं, क्योंकि दुनिया अंधेरे में है, उसको रोशनी मिल गई, रोशनी वाला अंधेरे का काम ही नहीं करेगा, उसके साथ बन के कैसे बैठेगा, ज्ञानी अज्ञानी का ख्याल आपस में कैसे बनेगा, ज्ञानी अपने रास्ते पर है, अज्ञानी अपने रास्ते पर है, अबाउट टर्न लगा पड़ा है, वो उत्तर जाता है तो वो दक्षिण जाता है, आपस में कब मेल होएगा, तो ऐसी तरह से बोलता है। तो अज्ञानी पुरुष जो विषय आसक्ति पुरुष है वो कभी भी इस ज्ञान का आदर नहीं करेगा, आएगा सत्संग में लेकिन निंदा करके उठ जाएगा, बोलेगा इधर भाई क्या लगा पड़ा है, बोलता है सब छोड़ो, अरे छोड़ना क्या है, तुम्हारा है क्या जो कुछ छोड़ेगा, तुम्हारा है कौन, तुम आया अकेला जाया अकेला, तुम्हारा एक भी आदमी तुम्हारा है क्या, बेटा तुम्हारा है, बहू तुम्हारी है, एक सुई भी तुम्हारी है क्या जो तुम छोड़ेगा, छोड़ना भी अभिमान, ग्रहण करना भी अभिमान, तो त्याग भी अभिमान, किसका ग्रहण करेगा किसका त्याग करेगा, तुम्हारे से जुदा कोई चीज हो या तुम्हारी चीज हो तो त्याग करना, क्या त्याग करने का है, मन की आसक्ति का त्याग ही सब कुछ है, जो संकल्प विकल्प का त्यागी है वो सच्चा सन्यासी है, जो आसक्ति और इच्छा का त्यागी है वही सच्चा सन्यासी है, ये सच्चा सन्यास है। बाहर से गेरू कपड़ा पहनना, बाहर से जंगल में जाना, बाहर से मंदिर टिकाने में जाके बैठना सारा दिन, ये कोई सन्यास नहीं है, ये कोई वैराग नहीं है, ये कोई त्याग नहीं है, इच्छा का त्याग ही त्याग है, और जिसने इच्छा कोई छोड़ दिया उसकी इंद्रियां ढीली हो गई, वो कभी फिर विषय विकार में जाएगा ही, या कुछ भी हो जाए तो दुनिया चाहे उसको समझे या नहीं समझे, वो तो लाखों में एक होता है, वो अपने रास्ते पर है, हंसती अपनी चाल चले, लोग हंसे तो हंसने दे, दुनिया का आदमी तो हंसेगा जरूर, क्योंकि हम उसी के महफिल में नहीं बैठेंगे, उसके साथ तहजमा में नहीं जाएंगे, उसके साथ ताश नहीं खेलेंगे, उसके साथ कंपनी नहीं देंगे, नॉन कोऑपरेशन विद ईविल होएगा, ईविल से हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे तो वो तो पहले जरूर जखेगा, जरूर निंदा करेगा, झगड़ा करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन ज्ञानी अपनी चाल चले, ज्ञानी गिला और निंदा से डरता नहीं है, क्योंकि वो सच के रास्ते पर है,
सच के रास्ते पर निर्भयता से चलने का। किसी का भी डर हम करता है वन हम बकरी हो गया, शेर नहीं है। शेर शोम हमको गुरु मिला है तो हमको भी शेर शोम की गर्जना करने की। दुनिया में आके हम डर के मर के सारी उम्र डर के खलास हो गए हैं, मरे गड़े रहते हैं सबके नीचे सबके आगे तुम डरते हैं। मैं इसे डरता हूँ, मैं उससे डरता हूँ, आकर पाप क्या किया? सत्संग में आया भगवान को पाने के लिए, पाप क्या किया? अरे जैसी प्रीत हराम में तैसी हरी में हो। जो हराम में जाते हैं उसको बड़ा डर नहीं लगता, लोकारित भी नहीं। सारा सारा दिन बच्चे को छोड़ के कोई सिनेमा में जाए, कोई क्लब में जाए, रात को देरी से आए, ताश खेलने जाते हैं, आजकल सब कुछ करते हैं, उसकी निंदा इतनी नहीं होती है। पर तुम बच्चे को छोड़ के सत्संग में आएगा ना, तुम्हारी निंदा होगी। भाई ये माई सारा दिन सत्संग छोड़ के और बच्चे को छोड़ के सत्संग में बैठी है, और सिनेमा में जाते हैं विलायत में, उनका आदमी सिनेमा में जाते हैं ना, बच्चे को अंदर बंद करके कुल्फ लगा के सिनेमा में जाते हैं, उसकी निंदा इतनी नहीं है। क्योंकि विषय आसक्ति तो सारी दुनिया है ना, विषय आसक्त पुरुष तो सारी दुनिया में बैठे हैं। मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स, दुनिया सारी बेवकूफों और अज्ञानियों से भरी पड़ी है। ज्ञानी तो कोई करोड़ों में एक होएगा, उसको कौन पहचाने? तो इसलिए बोलता है विषय आसक्त पुरुष जो है वो ज्ञानी को आदर नहीं देगा, सत्संग को आदर नहीं देगा, इस ज्ञान को आत्मा के ज्ञान को आदर नहीं देगा। कि दुनिया ही अलग है, बोलेगा कौन इच्छा को छोड़े, अरे कौन मन को बैठ के जीते, कौन ये करे, वैराग कौन लेगा, वैराग बहुत दुखिया है, मुश्किल है, त्याग करना मुश्किल है। क्योंकि उसकी इच्छा जो है वो जबरदस्त है, दुनिया में भरी पड़ी है, दुनिया उसके अंदर संसार भरा पड़ा है, वो कैसे इच्छा छोड़ेगा? उसके अंदर संसार नहीं, वो विचरता है 24 घंटा। अपने जो संसार बनाया है अंदर मन रचित संसार, उसी मन के संसार में विचरता रहता है अज्ञान 24 घंटा। मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैला बाड़ी का मैला अगता है सारा दिन। मेरे को ये पैसा मिलेगा, पीछे बिल्डिंग मिलेगी, पीछे मोटर लेगा, पीछे शादी करेगा, पीछे अच्छा होगा, बड़े हम मजे में रहेगा। एक भोग भोगता है तो दूसरे भोग की इच्छा करता है। सांप के मुंह में मेढक पड़ा है लेकिन मच्छर की इच्छा करता है। सांप के मुंह में पड़ा है मेढक, अभी ना अभी मौत है उसको, आज नहीं तो कल उसका शरीर टूटने वाला है। ऐसा मेढक उसके सांप में मुंह में भी पड़ा है, काल के मुंह में जा रहे हैं सब लोग, अज्ञानी सब लोग जा रहे हैं, तो भी मच्छर की आशा करता है, कुछ ना कुछ मजा लेके जाए दुनिया में। आप वह बुढ़े कृष्णा भाई जवान, कितना भी तीर मरता है, बुढ़ा है, सारी उम्र उसकी बीत भी गई है, तो भी पिछाड़ी तक वो वैराग नहीं लेता। बोलता है इतना भी बड़ा हो गया है, चाहे उम्र बड़ी हो गई, तो भी तृष्णा वासना अभी भी जवान है। जितने जितने भोग भोगे है किसी ने, उतनी उतनी उसका मन मोटा हो गया है, अभी वो विषय छोड़ नहीं सकता है। ऐसा नहीं समझना बड़ी उम्र में भाई ऑटोमेटिकली त्याग हो जाएगा ना, बहुत देखा दुनिया तो भी उसके दिल बढ़ जाएगी, ऐसी बात नहीं है, बहुत देखने से और भी दिल होगी। और वे जो जवानी में त्याग करता है वो सच्चा त्याग है, जो पीढ़ी में त्याग करता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसकी इंद्रियां जो क्षीण हो गई और भोग छूट गया और उसने त्याग कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो खुशी से ख्वाब करे अभी तो ये मिथ्या है, मिथ्या पदार्थ, मिथ्या विषय विकार, ये सब मिथ्या सुख है, मिथ्या सुख के पीछे मूर्ख जाता है, मिथ्या से प्रीत मूर्ख करता है, और सत्य से प्रीत जो ज्ञान करता है। जिसने मिथ्या समझा, मृग तृष्णा का जल समझा, वो लोटा लेके कैसे जाएगा मरने के लिए? भाई कुछ ना कुछ शायद पानी मिलेगा, अरे पानी होवे तो मिले ना, है ही रहती तो मिलेगी क्या? तपते तपते तुम्हारा पांव ही गर्म हो जाएगा, चलते चलते उधर तप के माया में खलास हो जाएगा, लेकिन पानी नहीं मिलेगा, तिरुपति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। कितना भी इंद्रियों का सुख कोई भोगे, कितनी भी राजा ही देखे, सकल सृष्टि का राजा दुखी, सारी दुनिया का एक ही राजा होवे, सारा पृथ्वी का तो राज छोड़ो, पर इंद्र का भी राज मिल जाए, ब्रह्मा का भी सुख मिल जाए, कहाँ का भी सुख मिल जाए, स्वर्ग का भी राजा हो जाए, तो भी अतृप्त है, अशांत है, मायूस है, उदास है, क्योंकि उसको जाने का डर है। कोई भी पदवी, कोई भी कुर्सी तुम लेगा, भाई ये पदवी है दुरु तारा, भाई ब्रह्मा का सुख, भाई ये इंद्र का सुख है, उसी पदवी को भी तुम गिराएगा एक दिन, भगवान उसको भी गिराता है, क्योंकि इतना सुख भोग के भी फिर उसको नीचे आना पड़ता है। कितना भी सुख कोई भोगे तो फिर ब्रह्मा को भी जन्म मरण है। ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रय गुण रोगी विच होमय कार कमल, होमय की कार रोगी कमाता है। ब्रह्मा बोलता है मैंने सृष्टि पैदा की, विष्णु बोलता है मैंने पालना की, शिव बोलता है मैंने ये नाश किया, तो उधर भी अहंकार है उसको,
तो ब्रह्म से चीति तक इच्छा और अहंकार से कार कमाता है। लेकिन एक ही ब्रह्म ज्ञानी है जो खुद ब्रह्म स्वरूप है, तो ब्रह्म को भी ब्रह्म ज्ञान लेके ब्रह्म स्वरूप होना पड़ेगा। गीता में लिखा पड़ा है ना, इतनी उम्र है ब्रह्मा की, इतनी 100-104 युग भाई ब्रह्मा की उम्र है, इतना साल भोग भोग के मजा लेके भी उसको फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। जब तक वो मुक्त नहीं हुआ है, जब तक ब्रह्म ज्ञानी गुरु नहीं मिला उसको, तभी ब्रह्मा का भी मुक्ति नहीं हुई, चाहे कितनी भी उम्र है उसकी। तो तुमको भी अगर तुमको दुनिया की इच्छा है, दुनिया में जाने की इच्छा है, तो तुम जाति में जाति ब्रह्मा होगा, इतनी बड़ी उम्र भी हो जाएगी तो भी क्या, तो भी उसको शांति नहीं है, वो भी इच्छा और अहंकार में। इसके लिए बोलता है तो क्या मांगू कुछ उत्तर नहीं, भाई क्या तुम्हारे से मांगू, भगवान से क्या मांगू, कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है, कोई भी पदरी जो है वो चलने वाली है, चलायमान होने वाली है, स्थिर नहीं है। कोई भी कुर्सी तुमको दुनिया में मिलेगी, एक दिन कुर्सी से उतरना पड़ेगा, लेकिन एक ही आत्मा की कुर्सी है, जो आत्मा की कुर्सी पर बैठा है उसको उतरना ही नहीं पड़ेगा, कोई नहीं उतारेगा, क्योंकि तुम्हारी वो स्वयं की कुर्सी है, तो पर वो छोड़ के और नीचे आ गए। एम्बिशन टू बी समथिंग, एम्बिशन टू डू समथिंग इज इल्यूजन, अज्ञान है कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं कुछ होना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, ये सब अज्ञान है। तुम क्या होना चाहता है, दादा भगवान ने कल टेप में बोला भाई तुम क्या होना चाहता है, तुम पहले से ही भगवान है, पहले से ही सर्वशक्तिवान है, आत्मा है, परमात्मा का स्वरूप है तुम, अभी तुम क्या होना मानता है, भाई मैं गवर्नर होऊंगा, मैं जनरल होऊंगा, मैं स्वर्ग का राजा बनूंगा, मैं सारी सृष्टि का राजा बनूंगा, क्या बनना चाहता है वो भगवान से जरूर नीचे वाली पदवी होगी। हमने तो तुमको पहले ही दिन भगवान बना दिया, दादा बोलता है पहले ही दिन मैंने तुमको भगवान बना दिया, भाई तुम भगवान है, तू सचित आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, आनंद का भंडार है, शांति का भंडार तुम्हारे भीतर है। तभी भी तुम बोलता है मैं फलाना बनना चाहता हूँ, अभी क्या बनेगा, जो कुर्सी तुम्हारे को मिलेगी वो चली जाएगी। इसके लिए ये अज्ञान है कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तुम पहले से ही भगवान है, यू आर ऑलरेडी गॉड, सब कुछ तुम पहले से ही है, तो अभी क्या बनना चाहते हो। गहरा समय जाएगा दुनिया के लिए वो परम आलसी हो गया, तुम जैसे दौड़ता भागता है ना, आज फलाने की शादी है, आज फलाने का मरना है, आज इधर धंधे के लिए जाने का दिखाता है, तो मैं कैसे दुनिया में रहता हूँ और तुम कैसे रहते हैं, मैं भी तो एक मंच रूप में आया हूँ, तुम भी एक मंच है, तुमको गुरु ने सामने बिठा के दिखाया कि मैं कैसे रहता हूँ तुम कैसे रहते हैं। भगवान कृष्ण ने भी बोला है गीता में, तो ज्ञानी जो है वो लोक संग्रह के लिए रहता है, अज्ञानी लोकारित में रहता है। एक है लोकारित, एक है लोक संग्रह। लोकारित माना जैसे लोक करता है तैसे वे बकरी, बकरियों के तरह तुम भी चलते हैं उसके पीछे, तो ये लोकारित होंगे भाई, जैसे लोक करते हैं तैसे हम करते हैं। अरे लोक अज्ञानी है कि ज्ञानी है, कल हमसे पूछो तो ये अज्ञानी है कि ज्ञानी है। नानक तांते लागे पाए, भाई किसकी पैरवी करो, उसी संत की पैरवी करो, उस महापुरुषों की पैरवी करो जो दुनिया में आया और दुनिया का होके नहीं रहा, लिव इन द वर्ल्ड नॉट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में रहो और दुनिया का होके नहीं रहो। नाव जो है वो सागर में रहती है लेकिन पानी नाव में नहीं आना चाहिए, एक भी छेद होएगा ना, एक भी छेद तो पानी आता रहेगा नाव डूबती रहेगी। थोड़ी सी भी इच्छा है, थोड़ी सी भी लोकारित है, थोड़ा सा भी लिहाज है, थोड़ा सा भी जड़ है, थोड़ा सा भी अहंकार है, थोड़ा सा भी दुनिया के पीछे हमारा लगावा है, संबंध है, तो तुम्हारी नाव डूब जाती है। और ज्ञानी का थोड़ा सा भी संबंध नहीं है किसी से, संबंध करके किसको नहीं देखता, ये मेरा संबंधी है, ये आत्मा है, ये भगवान है। एक ही निराकार साकार धार के आया जग, सब जगह निराकार ही निराकार है, एक ही निराकार है, एक ही सच है, एक ही ब्रह्म है, जो साधारण स्वरूप में इधर आते हैं, इतना स्वरूप धारण करके एक ही ब्रह्म जो है वो प्रगट हुआ है, सब जगह वही प्रगट है, कहां राजा कहां भिखारी, कहां पुरुष कहां नारी, कहां गरीब कहां शाहूकार, ये सब एक ही आत्मा है, जो सभी भूत प्राणियों में एक आत्मा देखता है और एक आत्मा में सब भूत प्राणी देखता है, वो मेरे से अदृश्य नहीं है, मैं उनसे अदृश्य नहीं, गीता में बोलता है भगवान, सब भूत प्राणी एक आत्मा में देखे और एक आत्मा सब भूत प्राणियों में देखे, वो मुझसे अदृश्य नहीं है, वो मेरा दर्शन करता है, मैं उसका दर्शन करता हूँ, वो 24 घंटा मेरे को ही देखता है जहां तक,
तो एक ही भगवान है, दूसरा नहीं है। और तुम जो कर्म करता है, अज्ञानी जो कर्म करता है, वो संबंध में भाई तुम इसको क्यों प्यार करता है, क्योंकि मेरा बेटा है, क्योंकि उसके अंदर में है, क्योंकि मेरा साला है, क्योंकि मेरा फलाना है। संबंध में ही तुम्हारा काम चलता है, तुम्हारा प्रेम चलता है, सारा दिन विचरण जो है वो संबंध में होता है। लेकिन ज्ञानी किसके साथ भी संबंध नहीं रखता, संबंध झूठा छोड़ दे। अष्टावक्र गीता में भोला बाबा का श्लोक है, ये संबंध झूठा छोड़ दे, जो सच्चा संबंध है, आत्मक संबंध है, वो रखो। तो आत्मक प्यार, सर्व आत्म भाव होना चाहिए, सबके लिए प्रेम है अंदर में, किसी के लिए भी राग और द्वेष नहीं। तो बोले अंतःकरण का धर्म है राग और द्वेष, करता अपना और भोगता अपना, वो आत्मा में नहीं। आत्मा साक्षी है, साक्षी माना अलग, अंतःकरण से अलग, ये जीव भाव से अलग, अहंकार को भी देखने वाला। जो करता है सो भोगता है, वो जीव है जो बोलता है मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ। जीव जो है, जो अज्ञानी जीव है, बोलेगा मैं भोग रहा हूँ। कोई इसको बीमारी आएगी ना तो बोलेगा मैं भोग रहा हूँ, मैं नहीं किया है, मैं नहीं किया है कोई कर्म तो मैं भोग रहा हूँ। ज्ञानी के सपने में भी नहीं आते मैं भोग रहा हूँ, मैंने कभी किया भी है कुछ, या मेरे ऊपर कोई बीमारी भी आई, नहीं बीमारी है, नहीं मौत है, नहीं पाप है, नहीं करता है, नहीं भोगता है। सपने में नहीं आएगा कि मैंने कुछ किया है मैं भोग रहा हूँ, नहीं। ये शरीर मेरे से जुदा है, तीनों कालों में मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर से वास्ता नहीं। जैसे तुम्हारा शरीर कुछ भी करता है भोगता है तो उसमें मेरा क्या, जैसे ज्ञानी अपने शरीर को अपने से अलग करके जानता है, उसका साखी और दृष्टा होके रहता है। तो ये मन का भी साखी, बुद्धि का भी साखी, शरीर का भी साखी, इंद्रियों का भी साखी, कर्ता अपने का भोगता अपने का भी साखी। जीव है तो कर्ता भोगता है, आत्मा है तो कर्ता नहीं है भोगता नहीं। इसके ऊपर एक दृष्टांत दिया है बड़ा अच्छा, बिना जोत के भी अंदर जो जोत जलती रहती है। मन कैसे चंचल है, मन किधर भागता है, क्या क्या अंदर करता है, कितना बड़ा व्यापार है मन का। तुम देखो तो सही, 24 घंटे में मन क्या क्या व्यापार करता है अंदर। तुम बैर का व्यापार 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए कमाएगा बैर का व्यापार, लेकिन अंदर क्या क्या होता है तुमको पता है, कितना नृत्य कला होती है अंदर। सारा दिन बुद्धि क्या सोचती है, मन किधर जाता है, इंद्रियां किधर जाती है, विषयाकार क्या क्या चलता है अंदर, ममता कितनी है, अहमता कितनी है, कर्ता भाव कितना है, जलता कितना है, सड़ता कितना है, मन राग कौन सा है, द्वेष कितना है, द्वेत कितना है, अंदर क्या क्या करता है, हसद सार वेर खार जलता है, कभी चढ़ता है, कभी ठंडा होता है, कभी बहुत ऊपर कभी बहुत नीचे, क्या डांस चलती है मन की, कदे मन माकोड़ी कदे के अरशीन, सब जो साड़ो नीम में जो ही नकड़े हंध, कदे मन माकोड़ी कभी वो चीती जितना बेचारा इतना निर्बल हो जाता है, मैं क्या करूं, मैं अकेली हूं, मैं तो विधवा हूं, मेरे को बेटा नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे को पैसा नहीं है, मैं तो निर्धन हूं, अभी मेरे को कौन पूछेगा, ऐसा नीचे धरती से भी नीचे हो जाता है, मैं अकेला, मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है, मेरे को कोई मदद करने वाला नहीं है, मैं क्या करूं, ऐसा। फिर कभी बोलेगा मैं क्या नहीं हूं, मेरे जैसा कोई है क्या दुनिया में, ऐसी टूट करता है, ऐसा अपना लोग दिखाता है, जैसे ना हाथी चलता है ऐसा, जैसे मन माकोड़ी कभी केर सी, कभी शेर जैसा, हाथी जैसा, कभी माकोड़ी हो जाता है, कभी निर्बल तो कभी बलवान हो जाता है। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये हकीकत की मस्ती नहीं है, एक दिन चढ़ती है एक दिन उतरती है, ये झूला है मन का, झूला अंदर तुम झूल रहे हैं, उसको मन की चोट खा रहे हैं, सारा दिन मन कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, ना निश्वास खाट पड़े लगी पड़ी है अंदर, पड़े लगी पड़ी है मगज में ख्यालों की, ये कैसा शांत होए, कैसा थाटलेस होए, ये गुरु के संग में ईगोलेस हम बन जाते हैं तभी थाटलेस बनते हैं। जब गुरु का संग मिलता है तो गुरु पहले तो हमारा शीश काटता है कि तुम है ही नहीं, यू आर नॉट, तुम क्या कर सकता है, तुम कौन है, तुम अपने को कह के लिए जीव समझ के बैठा, तुम्हारे हाथ में क्या, तेरे वश में है क्या, तू जान दरा, तू है निर्बल, हुआ है बलवान, अरे जो बलवान शक्ति है तुम उसको भुला के और तुम निर्बल एक जीव हो के, और मामा करता है कितनी मैं करता है, कितना अपमान किया, मैंने कमाया, मैंने ये बिल्डिंग बनाई, मैं इतना होशियार, मेरा बेटा इतना होशियार नहीं है, मेरा नौकर होशियार नहीं है, घर की बड़ी बोलेंगे मेरी बहू होशियार नहीं है, घर का बड़ा बोलेगा बेटा होशियार नहीं है, ये होशियारी ये सियाणप ये बुद्धि सारी गुरु आके चक पड़ता है। गुरु के मिलने से ही हमारा अहंकार जो है वो बिल्कुल धरती से भी नीचे हो जाता है, भाई तुम कक्षपण से भी छोटा है,
कखपन की भी कुछ उम्र है, तुम्हारी आदमी की इतनी भी उम्र नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है? तो गुरु आके जब हमारा शीश उतारता है तभी हम ईगो लेस हो जाता है, हमारा अहंकार बिल्कुल खलास हो जाएगा, तभी हमारा थर्स खलास होगा। जब तक मैं हूं तो मेरा संसार भी है, मैं हूं तो मेरी दुनिया भी है, जगत भी है, मैं हूं तो सब ख्याल है, मैं हूं तो मेरा है, मैं हूं तो मैं करता भी हूं, मैं हूं तो मैं भोगता भी हूं, मैं हूं तो मैं मरता भी हूं, मैं हूं तो मैं जन्मता भी हूं। हो मैं विच सोया, हो मैं विच खाया, हो मैं विच मरा, हो मैं विच जन्मा, हो मैं धीरग रोग है। गुरु नानक साहब ने बोला है हो मैं हूं, इतना कहना ही धीरग रोग है। एक दिन हमने गुरु से सवाल पूछा, दादा कोई बोलता है, कोई एक विधवा है जिसका नहीं बेटा है, नहीं मर्द है, नहीं पैसा है, नहीं बिल्डिंग है, कोई पूछने वाला भी नहीं है, उसको तो अहंकार नहीं होएगा। तो हमारे गुरु ने हमको जवाब दिया उसको बड़े में बड़ा अहंकार। हमने बोला वो कैसे? बेचारी निर्बल विधवा, कुछ है भी नहीं, उसको खाने के लिए नहीं है, गरीब, उसको कैसे अहंकार हो सकता है?